तो अभी हम लोग ज्योग्राफी का पहला सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। एनर्जी टाइट रखिएगा एकदम। तो एरिया के टर्म में जो है करेक्ट बताइए कौन सा ऑर्डर सही है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है इंडिया में? राजस्थान, उसके बाद MP, फिर महाराष्ट्र, फिर UP। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हेवेनली बॉडी के स्टडी को क्या बोलते हैं? बताया हुआ है इसमें, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें भी हेवेनली बॉडी बोले तो सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, गैलेक्सी। फर्स्ट हेवेनली बॉडी कौन जो डिस्कवर हुआ था आदमी के द्वारा, वो पहला हेवेनली बॉडी कौन था? मून, ठीक है ना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल मोड ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं? जो हम लोग अर्थ पढ़ते हैं आर्टिफिशियली ग्लोब में, उसको ग्लोब बोलते हैं। नेक्स्ट, इमेजिनरी लाइन बताइए जो अर्थ को दो हेमिस्फेयर में बांट देता है, वो कौन सा लाइन है? इक्वेटर, वेरी गुड। नेक्स्ट, हमारा कंट्री जो है कौन से हेमिस्फेयर में आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। कौन सा हेमिस्फेयर में लैंड ज़्यादा है? नॉर्दर्न में। साउदर्न में खाली तो समुद्र है। द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन विच वी स्टडी द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में किस में पढ़ते हैं बताइए? सब फंस गया है। कॉस्मोलॉजी, वेरी गुड। कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स के बारे में है। नेक्स्ट, विच हेमिस्फेयर हैज मोर एरिया ऑफ वाटर? पानी ज़्यादा साउदर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए आंसर बता दिए पहले ही कि रोया नहीं कोई। 0 डिग्री लैंगिट्यूड का दूसरा नाम क्या है? प्राइम। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना। फ्रॉम विच प्लेस द प्राइम मेरिडियन पासेज? प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास? ग्रीनविच, वेरी गुड। ग्रीनविच लाइन जो है दो कॉन्टिनेंट को बना हुआ है, कौन कौन दो कॉन्टिनेंट है? यूरोप, हाँ यूरोप और अफ्रीका, गुड। नेक्स्ट, द इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्री? इक्वेटर कितने कंट्री से पास करता है? 13 कंट्री से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नेम द कंटिनेंट्स फ्रॉम वेयर इक्वेटर पासेज। कौन कंटिनेंट से इक्वेटर पास करता है? सबसे, एशिया अफ्रीका से ना पास करता है इक्वेटर, साउथ अमेरिका से भी, यही 3 से ही पास करता है। बाकी नेम द ओनली कंटिनेंट फ्रॉम वेयर बोथ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर पासेज। दोनों से पास करता है कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका में प्राइम मेरिडियन भी है और इक्वेटर भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द ग्लोब। हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। और वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? 3.29 हेक्टेयर स्क्वायर किलोमीटर बोले तो अप्रोक्स ही आएगा 3287, मैंने 3.29 याद रखिए, 3.29 से पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया? लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है? अच्छा, ए और डी में अंतर क्या है फिर? ए और डी ऑप्शन में क्या अंतर है? वही ऑप्शन है, 8 डिग्री से 37 डिग्री, ठीक है। अब ए मारिए डी मारिए, आपके दिल पे है, लैटिट्यूडनल हो गया। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड बताइए। हाँ वेरी गुड, 68 डिग्री 7 से 97 25 तक। नेक्स्ट, विच लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? 82 30, 85 डिग्री। कहाँ का है? नैनी। इंडियन स्टेट्स मेरिडियन, अरे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है कितने स्टेट से पास करता है? 5 स्टेट से दिया पास करता है, याद रखिएगा। कौन कौन स्टेट है? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है। पहले देखिए 3 को पी है, यूपी, एमपी और आंध्रा, उमा और ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उमा ओसी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड पास फ्रॉम इंडिया? कितना लॉन्गिट्यूड इंडिया से पास करता है टोटल? 28 लॉन्गिट्यूड पास करता है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 68 7 से लेकर 97 25, है ना। नेक्स्ट, याद रखिएगा सर, ऑन एवरेज हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड हो गया 28। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट से टोटल कितना है? 2933 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट।
जिसको नहीं समझ में आया आंसर दिया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज, हाँ, डायमेंटिना ट्रेंच कहाँ है? इंडियन ओशन में है, डायमेंटिना ट्रेंच है। ट्रेंच जानते हैं ना, ट्रेंच ट्रेंच, अगर ऊंचा हो गया तो पहाड़ हो गया और नीचे गया तो ट्रेंच हो गया, समझ गए? हाँ। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मीन वेलोसिटी विथ विच द अर्थ मूव्स अराउंड द सन? कितना वेलोसिटी से अर्थ सन के अराउंड घूमता है? हो गया, खेला खत्म। बहुत सब जवाब दे रहा था, ये आपके होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कैनेडा, कैनेडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ पनामा? पनामा से कौन बॉर्डर नहीं शेयर करता है? पनामा कैनाल है ना, वेनेजुएला, वेनेजुएला अफ्रीका के टॉप में उधर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन इरीगेशन बाई टैंक? हाँ, कौन सा स्टेट में टैंक इरीगेशन होता है? अपना यही हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये भी रोने लगा। इन द वर्टिकल डिस्टेंस एबव द मीन सी लेवल, मीन सी लेवल से ऊपर के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? वेनस। और क्या बोलते हैं वेनस को? हॉटेस्ट प्लैनेट, 97.5% कार्बन। और हाँ, अर्थ का ट्विंस भी है, गुड। अर्थ का ट्विंस प्लैनेट भी बोलते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट, जुपिटर को बिगेस्ट प्लैनेट। सबसे ज़्यादा अपने रोटेशन, अपने एक्सिस पे रोटेशन सबसे तेज कौन करता है? जुपिटर। कितना दिन में कर लेता है? सबसे फास्ट रोटेशन, सबसे फास्ट है, 9.5 घंटे में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ कैस्पियन सी? कैस्पियन सी से जितना भी तान है सब करेगा, तो कौन बच गया? आर्मेनिया बच गया, आर्मेनिया नहीं करेगा। ये सब जितना भी अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये सब जितना भी मुस्लिम है सब करेगा कैस्पियन सी से, अगर आर्मेनिया नहीं करेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस? सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है बताइए? 14.96 मिलियन, बोले 49, बोले तो 150 मिलियन किलोमीटर, है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन स्पेस? स्पेस में जो डिस्टेंस आता है उसका कौन सा? एक लाइट ईयर कितना बराबर होता है? 9.46 × 10⁻¹⁵ किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन फॉर प्लैनेट्स विथ रिंग? रिंग किस में होता है? सैटर्न में। इसमें एक और खासियत है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भी उसी के पास होता है। अजंता और एलोरा का गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में है। विच सिटी इज कनेक्टेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेलवे डिवीजन? सबसे ज़्यादा डिवीजन कौन सा सिटी से कनेक्टेड है? मुंबई, मुंबई है हमारा, मुंबई। नेक्स्ट देखिए, मुंबई सिटी जो है सारे रेलवे डिवीजन से है, सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, वेस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर है, नॉर्दर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से कनेक्टेड है, साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर है। टोटल 17 जोन्स है, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ाएँ इसको। मेरा ज्योग्राफी का वीडियो देखिए, याद करने का टेक्निक भी बताए हैं, हेडक्वार्टर याद करने का। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी? ब्राज़ील। इंडिया में? कर्नाटक। नेक्स्ट, वेयर इज द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर लोकेटेड? बताइए, कुछ भी। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है कल्पक्कम तमिलनाडु में। कल्पक्कम तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, वही है इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट देखिए, वहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, एटॉमिक एनर्जी जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाद जो सबसे बड़ा यही है, ठीक है, कल्पक्कम में है। फिर तारापुर सबसे पहला था, तारापुर मुंबई में है ना, ये भी फर्स्ट पहला पावर प्लांट था। इंडिया जो है अपना बम कब टेस्ट किया था? 1974 में, और पोखरण में किया था 1998 में, दो बार बम एटॉमिक बम का टेस्ट हुआ है। तो सबसे बड़ा है, देखिए सेल भी लगा हुआ है, आप लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ है? राइस का मतलब चावल,
खाने वाला भात कटक में, हाँ गुड, उड़ीसा में है, कटक में है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर उड़ीसा कटक। रिवर कृष्णा का, रिवर का सोर्स कहाँ है, कहाँ से निकलती कृष्णा? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर कहाँ है? वेस्टर्न घाट में। महाराष्ट्र कहाँ आएगा? वेस्टर्न घाट में आएगा, महाबलेश्वर से निकलता है ना, वेस्टर्न घाट में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जिला से निकलता है? जोर विलेज। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सतारा। ठीक है, 1337 मीटर जो है महाबलेश्वर के नॉर्थ से निकलता है, लेंथ है 1400 किलोमीटर लेंथ। ठीक है ना, सबसे स्मॉलेस्ट ओशन कौन है? आर्कटिक ओशन, गुड। नेक्स्ट, तुम लोग जवाब दे रहा है तो रोने लग रहा है। कौन सा स्टेट जो है पेनिनसुलर मलेशिया को सुमात्रा आइलैंड से, जो इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड है जो डूब गया उसमें, मतलब कंप्लीट नहीं डूबा था, जो इफेक्ट हुआ था उसमें, क्या बोलते हैं, सुनामी आया था ना 2004 में, तो सुमात्रा आइलैंड है इंडोनेशिया से और पेनिनसुलर मलेशिया है, दोनों को कौन सा स्टेट सेपरेट करता है? मलक्का स्टेट। कौन सा ओशन है, वाटर बॉडीज कौन सा सेपरेट होता है इससे? हाँ, हाँ ये तो स्टेट किसको बोलते हैं, जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे और दो लैंड बॉडीज को सेपरेट करे उसको बोलते हैं स्टेट, है ना। तो ये दो लैंड बॉडीज को सेपरेट कर रहा है, कौन कौन? पेनिनसुलर मलेशिया और सुमात्रा, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन। नेक्स्ट, कौन सा फॉलोइंग में, माल्टा, माल्टा कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी में। इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंसेस फ्रॉम सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स बिटवीन मार्स एंड यूरेनस, मार्स और यूरेनस के बीच में कौन प्लैनेट है? मार्स। सन से डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, हाँ, जहाँ जहाँ ये गाँव पड़े मुक्ति जाना समझाए, हाँ सब आंसर बोल दो बारी बारी से। हाँ हाँ, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। तो जुपिटर सैटर्न होगा, इतना सोचना क्या है, बी नहीं पढ़े है, आंसर दिया हुआ है, पढ़ा देते हैं। क्या होता है हमारा, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्वस नट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो मार्स और यूरेनस के बीच में कौन दूगो है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू इक्वेटर, इक्वेटर से सबसे नजदीक कौन है? सिंगापुर है, इसीलिए सबसे ज़्यादा अमीर है क्योंकि इक्वेटर के पास है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है यहाँ, तो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है क्योंकि सबके लिए नज़दीक है ना जाना, तो इसलिए बहुत अमीर कंट्री है ये। और कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने लोकेशन की वजह से अमीर है, इतना क्वालिटी नहीं है कुछ भी, ये लोकेशन ऐसा है कि वो कहीं से भी कनेक्टिविटी हो जा रहा है ना इसका। अब जैसे अब दिल्ली है, उसका एयरपोर्ट भी है, रेलवे भी है, हाईवे भी है, तो कहीं से भी कनेक्टिविटी होगा तो वहाँ आदमी का जाहिर सी बात है बिजनेस ज़्यादा चलेगा। तो ये सिंगापुर है, ठीक है, इक्वेटर से सबसे नज़दीक। अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल से दोनों अलग होता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा हम बता भी दे रहे हैं। 10 डिग्री चैनल जो है ऐसा चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में अलग होता है। दो ग्रुप है अंडमान और निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड जो है अरबियन सी में है, है ना। अंडमान और निकोबार का कैपिटल का नाम है पोर्ट ब्लेयर, जानते हैं ना। तो ये अलग कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में होता है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया में, सांबर नहीं, उलर लेक, सांबर लेक साल्ट वाटर लेक राजस्थान में है, उलर लेक कहाँ है? कश्मीर में है, डल लेक कश्मीर में है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है। तो उलर लेक जो है इसका लेंथ इतना है, झेलम रिवर से निकलता है, लार्जेस्ट है ये। इसमें कौन सा प्रोजेक्ट है? तुबुल, तुबुल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाने वाला। और दूसरा फ्रेश वाटर लेक कौन है? लोकटक लेक है मणिपुर में, और मेघालय में है बारापानी लेक, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। व्हीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है?
कुछ भी, वेस्ट बंगाल में राइस है, वीट का यूपी है, वीट और पोटैटो यूपी में सबसे ज़्यादा मिलता है। हाँ, खुदाबी क्रॉप्स है, साइंटिफिक नेम याद रखिएगा। बाकरेश्वर प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है? गुजरात में, ठीक है, तो सॉरी वेस्ट बंगाल में। बाकरेश्वर प्रोजेक्ट जो है उसका फुल फॉर्म, ये बाकरेश्वर प्रोजेक्ट जो है वेस्ट बंगाल में है। ये क्या है? कोल फील्ड थर्मल पावर प्लांट का है ये। तो ये बाकरेश्वर क्या है? थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ है? MP। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न, बता चुके हैं। मैसेंजर सैटेलाइट जो है नासा लॉन्च किया था क्या चीज़ स्टडी करने के लिए? जहाँ मरकरी, मरक्यूरी को अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट, एम से मरकरी, एम से मैसेंजर, नासा। देखो, मरक्यूरी के सरफेस को स्टडी करने के लिए मतलब भेजा था नासा, अमेरिका का है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन है, 1958 में फॉर्मेशन हुआ था उसका। मैसेंजर का फुल फॉर्म क्या है? मर्क्यूरी सरफेस इन्वायरमेंट जियोकेमिस्ट्री एंड रेंजिंग। सातवां डिस्कवरी था वो, पहला स्पेस क्राफ्ट था मर्करी पे जाने के लिए, नासा भेजा था। नेक्स्ट, वाटरी प्लैनेट किसको बोलते हैं? अर्थ को। दुनिया से खाली पानी पानी है यहाँ, 71% पानी। इंडिया का लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? सबसे ज़्यादा साल्ट कहाँ मतलब दांडी नमक गुजरात में, देश का नमक, दांडी मार्च हुआ था ना। बिचो तो फॉलोइंग हो गया, गारो एंड खासी हिल्स जो है कौन से रेंज में आता है? विंध्या रेंज, नहीं नहीं हिमालय रेंज, हिमालय में आता है, क्योंकि गारो खासी कहाँ है? मेघालय में है। मेघालय जो है नॉर्थ ईस्टर्न में कौन आता है? हिमालय आता है, तो हिमालय रेंज। अभी आंसर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, दे दो जी। जो है ईस्टर्न माउंटेन रेंज जो है जिसमें तीन पार्ट होता है, पटकाई हिल्स, गारो खासी जयंतिया और लुसाई हिल्स जिसको मिजो हिल्स बोलते हैं, मिजोरम में है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में है, पटकाई हिल्स जो है अरुणाचल प्रदेश के से घूमता है, तो इसको जो है मासिनराम इन मेघालय जो है सबसे वाटरिस्ट प्लेनेट है अर्थ में, इसका आंसर सी है, हिमालय रेंज, ठीक है, ये खासी हिल्स में आता है मासिनराम। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, पेरिस फ्रांस में, वेरी गुड। और कहाँ का यूनिट है पेरिस? तदोबा कहाँ है? तदोबा किसके लिए फेमस है? टाइगर, पैंथर और बियर। तदोबा एक्सप्रेस पढ़ा ना, याद आना जी अपना महाराष्ट्र में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, बताइए सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किस में है? कनाडा, कनाडा में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, कनाडा होगा, कनाडा होगा। 4 लाख का चैलेंज लगाता है। कुदरमुख स्टेट में कौन सा आयरन ओर है? अरे कुदरमुख नाम है, कौन सा स्टेट है? कर्नाटका में है कुदरमुख माइंस, किस लिए? आयरन ओर के लिए फेमस है। उमियाम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ है? उमियाम, जहाँ जहाँ ये पाँव पड़े ये धरती अंबर हो जाए, सिक्किम में होगा। हाँ सिक्किम में। नेक्स्ट, शिलोंग में है, बारापानी लेक के पास है, इसीलिए तो आंसर दिला हुआ था। मेघालय में शिलोंग में उमियाम, देखिए म वर्ड आ रहा है ना, म मेघालय। लार्जेस्ट रिवर कहाँ है? जो पेनिनसुलर इंडिया का लार्जेस्ट रिवर कौन है? पेनिनसुलर इंडिया का, रे भाई नर्मदा। हम जो बोल रहे हैं वो है, मान लो तुम बोला था उसमें आंसर। नर्मदा को रेवा भी बोलते हैं, पेनिनसुलर बोला ना जी,
हाँ वेस्ट फ्लोइंग, पढ़ता ही नहीं तुम लोग। मेजर पोर्ट कितना है 13, माइनर पोर्ट कितना है 205, सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई, इसी के बगल में है नावासेवा, नावासेवा जो को बोलते हैं किंग पोर्ट, मुंबई के बगल में है नावासेवा। अच्छा इसी पे बताइए गुजरात में कौन सा पोर्ट है, कांडला, कांडला सबसे पैसा वाला पोर्ट है, सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है कांडला में। टूटीकोरिन कहाँ है, तमिलनाडु में, गुड। उड़ीसा में कौन सा पोर्ट है, पारादीप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम सतलज और ब्यास रिवर, कौन सा कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल, राजस्थान में है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम डेकन प्लेटू, विंध्या, डेकन प्लेटू साउथ में है, इंडो गैंगेटिक में नॉर्थ में है, सेंटर में कौन है, विंध्याचल रेंज, जहाँ नर्मदा इसके नीचे से निकलती है और सतपुरा के ऊपर से निकलती है। विच स्टेट शेयर्स द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से बॉर्डर कौन सेट करता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है इसके तीन साइड बांग्लादेश है और एक नीचे साइड इधर साइड म्यांमार है, बाकी नहीं सेट करता है दोनों से, बाकी खाली। नेशनल टेस्ट हाउस का हेडक्वार्टर कहाँ है, नेशनल टेस्ट हाउस बताइए, टेस्टिंग कहाँ होगा, हैदराबाद। इन विच इंडियन स्टेट इज कनेक्टेड टू श्रीलंका बाई पालक स्टेट, तमिलनाडु, पालक स्टेट जो है श्रीलंका से तमिलनाडु कनेक्टेड है, पता है ना। नेक्स्ट, विच टू कंट्री फॉलो चाइना एंड इंडिया डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर पॉपुलेशन, चाइना और इंडिया के बाद कौन है पॉपुलेशन से बताइए, अमेरिका और इंडोनेशिया, है ना, पॉपुलेशन से पूछा मेरे भाई, एरिया से नहीं। नेक्स्ट, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लेक, मानसरोवर लेक, तिब्बत से इंडस रिवर निकलती है। नेक्स्ट, विजयवाड़ा कौन से रिवर पे है, कृष्णा रिवर पे है, वहाँ हम लोग गए भी हैं। गिर फॉरेस्ट किस लिए फेमस है, गुजरात में है, एशियाटिक लायन की फेमस है, बंगाल टाइगर तो बंगाल में है जी, सुंदरबन में है वो सब, कान्हा कहाँ है, एमपी में है। कृष्ण भगवान का नाम कुछ भी आ जाए एमपी मारना है, बांधवगढ़, कान्हा, कृष्ण कुछ भी आएगा एमपी मारना है, पन्ना सब एमपी। नेक्स्ट, माता टीला डैम कौन से रिवर पे बना था, बेतवा रिवर, माता टीला, इसका कोड भी बताए थे कि माथा टेकता है बेटा जाके। नेक्स्ट, सन का टेम्परेचर एवरेज कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। अलकनंदा रिवर भागीरथी से कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में, बाकी प्रयाग पता है ना। रिवर गंगा से और कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन है, नर्मदा और तापी। चिलिका लेक कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में है, सबसे लार्जेस्ट लेक है ये, किस टाइप का, जो लैगून बनाता है, पूरे एशिया में सबसे बड़ा लेक है जो लैगून बनाता है, वर्ल्ड में दूसरा नंबर पे आता है सुपीरियर लेक के बाद। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल कौन से स्टेट में है, सर्वे दे दिया है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा और पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में चाइना में सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं। सांभर लेक जो है राजस्थान के कौन से सिटी में है, हाँ देखिए जयपुर, हाँ जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री, म्यांमार से कौन बाउंड्री शेयर नहीं करता है बताइए, सब किनारे है असम में, सब असम तो सबके बीचों में है, ती नहीं करेगा, बाकी सब नीचे नीचे कॉर्नर पे है सब, ती करेगा, असम नहीं करेगा। पैंगोंग लेक जो है कहाँ है, लद्दाख में, जानते हैं ना। बाघा बॉर्डर कहाँ है,
रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान को जो सेपरेट करता है, ये मनमोहन लाइन इंडिया चाइना को, डुरान लाइन अफगानिस्तान को, सर क्रीक लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद पनामा, अभी फिर पूछ दिया, वेनेजुएला। मोगाओ केप्स कहाँ है, कौन से कंट्री में है? मोगाओ केप्स चाइना में है, जितना भी मोगाई वाला काम चाइना करता है, हाँ मोमो भी खाता है वो। विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद भूटान, भूटान से सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है बताइए। नहीं 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 नहीं, सोच के बताइए। अरुणाचल प्रदेश, भूटान कहाँ पे है? नेपाल के जस्ट बगल में, तो उसके बगल में कौन होगा? आसाम, आसाम, आसाम सबसे ज़्यादा करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंपल कहाँ है? कंबोडिया में है। वो टेंपल का नाम क्या है? एंगकोर वाट टेंपल, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेंपल है। कौन बनाया था? सूर्यवर्मन सेकेंड, कंबोडिया में है। इंटरनेशनल डेट लाइन के बगल में कौन सा स्टेट है? पढ़ाए हैं बेरिंग स्टेट, ये ऊपर में नीचे में ओशन है, इंडियन ओशन है, ऊपर में आर्कटिक ओशन है, इंडियन आर्कटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। देखिए ऊपर में पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है ना। जो अपना क्लाउड फ्लोट क्यों करता है एटमॉस्फेयर में, क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी लो होता है। अब जो डेंसिटी लो होगा वो फ्लोट करेगा, पढ़े ना। नेक्स्ट आपके लिए बताइए, अलकनंदा रिवर भागीरथी से कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। तो मोर देन एनफ है आपके लिए, आपके लिए शायरी भी रखे थे। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को तनाव मत करिए, परिस्थिति चाहे कितना भी खराब हो बदलेगा जरूर। धन्यवाद। कितना मिनट हुआ?